स्मृति ईरानी का प्रियंका गांधी पर हमला, प्रियंका गांधी की मिमिक्री कर कसा तंज। अमेठी में तिलोई क्षेत्र में जनसभा को किया संबोधित। यहाँ आई है कांग्रेस की नेत्री, कहने लगी कि बीजेपी क्या करती है, धर्म धर्म बोलती है। कर गए कि नहीं कर गए ना? हजम अनिल हमको भी पता है, तुम ही फेसबुक किया ना, हम भी देख रहे सही है। आई ऐसे सबका कुछ नहीं किया मोदी ने, हम इतनी कीचड़ में जाते थे। अब क्यों जाते थे भैया, रोड बना लिया होता, 262 गांव में पक्की सड़क हम बनाए, बनाए कि नहीं बनाए? ऐसे 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 करके गई है दीदी जी, हैं? अब ये बतलाओ कि क्षेत्र में आज 1,14,000 गरीब परिवारों को घर बनाए मोदी ने कि नहीं बनाए, बोलो? 4,00,000 परिवारों को शौचालय बनवा कर दिया मोदी ने कि नहीं दिया? 3,50,000 परिवारों को नल का दिया कि नहीं दिया? 1.5 लाख परिवारों को विद्युत का कनेक्शन दिया कि मोदी ने नहीं दिया? 2 लाख परिवारों को गैस का कनेक्शन दिया मोदी ने कि नहीं दिया? करने वाली दीदी, अगर काम करे मोदी तो वोट किसको मिलेगा? काम करे मोदी तो वोट किसको मिलेगा? करते हुए कहने लगी, धर्म का इस्तेमाल करता है। हम कहे का धर्म का इस्तेमाल करते हैं भैया, हमको बतलाओ, राम मंदिर बनाया मोदी ने पाप किया या पुण्य किया, बताओ? पुण्य किया। राम मंदिर मोदी ने बनवाया, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए, राम के सेवक बने, मोदी ने ठीक किया? ठीक किया। कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज ने बताया कि राजा भैया का साथ मिल गया है, लिहाजा अब जीत पक्की है। सपा प्रत्याशी का दावा है कि इस बार इस सीट पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया। आप सभी लोगों के जनसमूह से पता चलने वाला है कि कौशाम्बी की लोकसभा की धरती पे अब की बार बदलाव होने जा रहा है। मेरी माताओं से विशेष, पहला बटन साइकिल का बटन है, आप पहला बटन दबाइएगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ या भैया का भी आशीर्वाद मिल गया है तो ऐतिहासिक जीत होने वाली है। संत कबीर नगर में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। संविधान के खिलाफ कलर कौन सा होता है पता है आप लोगों को? भारतीय संविधान का कलर नीला होता है, नीला। राहुल गांधी जो संविधान दिखा रहे हैं, लाल संविधान चाइना का होता है, चाइना से पोषित होते हैं राहुल गांधी। आप संविधान की बात कर रहे हो? आप भारतीय जनता पार्टी हर समाज की चर्चा करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। आज हमारा अवसर आया है तो हिंदू भी बढ़ रहा है, मुसलमान भी बढ़ रहा है, जो बात आती है सबको हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी मेरा निवेदन है कि देश में दो धुरी फैली है, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, एक तरफ चेहरा आप देखेंगे तो गूगल मारिएगा तो 10,000 करोड़ का घोटाला सबके नाम से दर्ज है, 10,000 करोड़ का घोटाला दर्ज है। सिद्धार्थनगर में बीजेपी प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के समर्थन में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रचार किया। शौरतगढ़ तहसील मुख्यालय के छतहरी पहुंचकर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को भी गिनाया। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। देखिए 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि 10 साल हमने देश को जिस विकास यात्रा पर आगे ले जाने का काम किया है, उसको देखते हुए देश के कोने कोने में और हमारे उत्तर प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड कायम होगा। और जो सपना हम सब ने मिलकर इस देश के लिए देखा है कि हम तीसरी बार
हैट्रिक लगाकर 2047 का विकसित भारत बनाएंगे।